दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि जब आप ऑनलाइन फिल कर देते हैं तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर कहां से मिलेगा, ये किस प्रकार मिलेगा, आज वो बताने वाले हैं। साथ ही साथ अपने सेंटर पर किस तरह या अपने जहां पे भी आपका ऑफिस बनाना चाहते हैं उसकी ब्रांडिंग कैसे करें या उसका जो बैनर है वो कहां से मिल सकता है, आज हम ये तीनों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आपका यहां पे काफ़ी सारे जो लिस्ट हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको सीएससी आईडी लेने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो एकदम क्लियर होने चाहिए, जो उसकी विजिबिलिटी हो वो काफ़ी क्लियर हो। ये नहीं कि दूर से कैमरा से खींचे और उसको जो अगल बगल कुछ आ रहा है या जो फॉन्ट्स है वो ब्लर हो गए हों, ऐसा आप ना कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने इमेज लगाया हुआ है ये काफ़ी इजली रीड करने लायक है। इसी प्रकार का ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो आपका स्कैन्ड हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के चेक हैं। सबसे पहला जो चेक है वो यहाँ पे न्यू अकाउंट का है और दूसरा चेक है जो ये पुराना हो चुका है। लेकिन इस दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि हमने जब पहला वाला चेक लगाया था तो इसमें मेरा नाम मेंशन नहीं था, जिसके वजह से सीएससी आईडी मतलब मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, प्रोसेस में नहीं हुआ था, रिजेक्ट हो चुका था। उसके बाद फिर से मैंने उस पर अपना करेक्शन करके भेजा। तो इसीलिए यहाँ जब आप कोई बैंक डिटेल्स या जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका नाम और जहाँ पे जैसे आप पैन अपलोड करते हैं तो उस पर आपका नाम और पैन संख्या एकदम विजिबल हो। उसके बाद आधार कार्ड पे भी आपका नाम और आधार कार्ड संख्या, पीछे एड्रेस भी विजिबल हो। और तीसरा कैंसिल चेक या जो भी आप बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कैंसिल चेक लगाने के लिए, तो उसमें भी आपका जो ये बैंकिंग डिटेल्स हैं वो एकदम विजिबल होगा। तो आपको ये जल्दी ही आपकी सीएससी आईडी मिलने में मदद मिलेगी। अब उसके बाद बताते हैं कि जब दोस्तों ये आप अपलोड कर देते हैं तब आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करना है। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर कहाँ से मिलेगा, अब आपको चले आना है सीएससी बैंक मित्र पर। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आप कॉन्टेक्ट अस पे यहाँ पे आएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे आप चूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। अब जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं वाराणसी सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। अब इनको आप कॉल करेंगे और इनको आप बताएंगे कि सर मैंने आईडी के लिए, सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आप ये मेरा आकर वेरीफाई कर दें। तो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेरीफाई करने के लिए आएंगे और उससे पहले ये क्या करेंगे कि आपको एक बैनर या तो अपने ही नंबर से भेज देंगे या आपको कहेंगे कि आप अपने शॉप की या जहाँ पे भी आप मतलब जहाँ पे भी आप लोकेशन रखना चाहते हैं बिजनेस करने का, उसका आप वहाँ पे ब्रांडिंग कीजिए। अब ब्रांडिंग करने में भी ये देखिए यहाँ पे दो प्रकार के बैनर है। सबसे पहला बैनर जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉमन ब्रांडिंग, जो सबसे पहले आपको मिलता था। यहाँ पे आप जब जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स के हैं, तो आप किसी पे भी एक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये अब पुराना वाला था, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नया वाला है, तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इजी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जेनरिक सीएससी सेंटर बैनर यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और भी कई प्रकार के हैं जिसमें अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कोई आधार UCL भी चलाता है, मान लीजिए बाद में अपडेट करता है तो अपना यहाँ से डाउनलोड करके अपना एक नया बैनर बनवा सकता है, लेकिन सबसे फर्स्ट पे ही आपको डाउनलोड करके उसको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का बैनर रहेगा जहाँ पे आप CSC ID वैसे आपको उस समय मिली नहीं रहेगी, तो यहाँ पे XXXX सिर्फ लिखा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट लोगो है, उसके बाद बाकी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि इस बैनर को आपको लगाना कैसे है। वैसे हम आपको ये बता दें कि जो ये साइज है इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका जहाँ पे ब्रांडिंग करना है वहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा कि कहाँ लगाना चाहते हैं, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको अपने अकॉर्डिंग साइज में बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसको कैसे आप ब्रांडिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सेंटर पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के ब्रांडिंग है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि मैंने जो टेम्पररी लगाया था तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने लगाया था और जो कि ये सही नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद जब मैंने ये फोटो, वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहेंगे कि आप अपने बैनर का फोटो लगा कर भेजिए, तब वो वेरीफाई करने आएंगे। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ता है। तो जैसे मुझे इन्होंने कहा कि ब्रांडिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये चीज गड़बड़ है, आपका इस तरह बैनर नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने उनको नया कुछ स्ट्रेट में हमने फिर उनको भेजा, जगह सेम है, हमने उनको स्ट्रेट में करके भेजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी CSC ID उस समय जनरेट नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या क्या आपको जरूरत है, क्या नेसेसरी है। तो देखिए आपको जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं इक्विपमेंट्स की, वो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और टेबल और चेयर होना चाहिए और एक रूम होना चाहिए जिसमें 5-10 लोग बैठ सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा, तो आपके पास लेमिनेशन मशीन हो, तो आपके पास मॉर्फो डिवाइस हो और आपके पास मतलब तमाम तरह के हो, ऐसा कुछ नहीं। बस आपके पास लैपटॉप, प्रिंटर ये भी होंगे, काफ़ी हैं इसके लिए अभी CSC ID के लिए। जब आपका CSC ID जनरेट हो जाएगा तो हाँ आपको इन सभी चीज़ों की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर बात करें कि क्या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रिश्वत लेते हैं, तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरे केस में मेरा कोई भी चार्ज नहीं लगा था, लेकिन कुछ केस में ऐसे होते हैं कि जिनको 1500, 2000, 3000 तक देना पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि नहीं देना ही होगा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं भी लेते हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेरिफिकेशन में क्या क्या वो लोग मांगते हैं। तो आप जितने भी क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे CSC ID के समय, तो उस वही आप डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा, उसका प्रिंटआउट निकाल कर आप अपना सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि साइन करके आप उनको देंगे। हो सकता है कि आपका वो डॉक्यूमेंट वो न लें, सिर्फ आपका वेरीफाई करें, फोटो क्लिक करें, जैसे किसी थर्ड पर्सन को अपना मोबाइल देकर आपका अपना और आपके सेंटर में मतलब आपका कंप्यूटर लैपटॉप और जो ब्रांडिंग है, जो आपका बैनर है, वो उसके साथ आपका फोटो क्लिक करें। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे कि वो प्रोसेस में डाल देंगे, लेकिन एक बार फिर भी आपको पूछना है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो हो सकता है कि आपकी CSC ID पेंडिंग में पड़ी रहे, वो एक्टिवेट ना हो, लेकिन आप एक बार पूछ लीजिएगा कि सर क्या CSC ID मेरी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो सर बताइए, जो भी हम आप कहेंगे वो मैं कर सकता हूँ, कर दूंगा, जैसा भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।